जो है सिर्फ पंजाब हरियाणा तक ही नहीं हो रहे हैं, कई दूसरे राज्यों के किसान भी नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्हें इससे काफी नुकसान होगा, सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। पूरे देश का किसान बोल रहा है कि इस कृषि बिल से उनका नुकसान होगा, लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये तीन कानून जिसका पूरे देश का किसान विरोध कर रहे हैं वो किसानों के लिए रक्षा कवच है या फिर किसानों के आस्तीन का सांप है। पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 यानी अनिवार्य वस्तु अधिनियम 2020। दोस्तों हमारे देश में 1955 में एक कानून बना था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अनिवार्य चीज़ जैसे कि आलू चावल प्याज अनाज इन सब का ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकता है, वरना इससे बाजार में कालाबाजारी बढ़ेगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार ने इस कानून में बदलाव करके इसे नया नाम दिया है अनिवार्य वस्तु अधिनियम 2020 यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, जिसमें ये कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्ति अनिवार्य चीज़ों का जितना चाहे उतना भंडार रख सकता है, यानी जितना चाहे आलू चावल प्याज का स्टॉक रख सकता है। और इसके पीछे सरकार ये तर्क दे रही है कि जब स्टॉक से पाबंदी ख़त्म हो जाएगा तो बड़े बड़े व्यापारी किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फसल खरीद कर अपने पास स्टॉक रख सकेंगे, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलेगा। लेकिन अब आप लोग इस कानून के असल खेल को समझिए कि किस तरीके से इस कानून के जरिए देश के किसानों के साथ देश के आम नागरिकों को भी लूटा जाएगा। आप इसको इस तरह समझिए कि जब हमको प्याज की ज़रूरत होती है तो हम पास के दुकान से या फिर किराने की दुकान से प्याज खरीदते हैं, और वो दुकानदार प्याज खरीदता है मंडी से, और मंडी वाले प्याज खरीदते हैं प्याज के बड़े व्यापारी या फिर स्टॉकिस्ट से। लेकिन जब स्टॉक से पाबंदी ख़त्म हो जाएगी तब बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का स्टॉक अपने पास रखेंगे और जब चाहे मार्केट में सप्लाई को कम कर देंगे। जब मार्केट में सप्लाई कम होगा तो प्याज की कमी होगी, और जब प्याज की कमी होगी तो मार्केट में प्याज का दाम बढ़ेगा, और जब प्याज का दाम बढ़ेगा तब फिर वही बड़े व्यापारी और स्टॉकिस्ट धीरे धीरे अपना भंडार खोलेंगे, और जब वो अपना भंडार खोलेंगे तो इससे नुकसान देश के आम नागरिकों को होगा और फायदा उन बड़े बड़े स्टॉकिस्ट को होगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इस कानून के जरिए किसानों को फायदा होगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले कानून के बारे में। इस कानून को मोदी सरकार ने नाम दिया है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। बहुत लंबा चौड़ा बकचोदी वाला नाम है, इसको आसान भाषा में आप कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून कह सकते हैं। इस कानून को आप इस तरह समझिए कि हमारे देश में जितने भी फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है उसको किसानों की फसल की ज़रूरत पड़ती है। कोई कंपनी अगर चिप्स बना रहा है तो उसको आलू की ज़रूरत है, कोई कंपनी अगर बिस्किट बना रही है तो उसको गेहूँ की ज़रूरत है। और इस कानून में ये कहा गया है कि अब वो कंपनी सीधे किसानों से फसल खरीद सकती है, जिससे कि बीच के बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे और किसानों को बेहतर दाम मिलेगा। लेकिन फसल खरीदने से पहले वो कंपनी किसानों के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करेगी, और फसल बोने से पहले ही ये एग्रीमेंट में तय किया जाएगा कि वो किसान का फसल कितने में खरीदेगी। मान लिया जाए कि आज आलू का रेट 2 रुपया है तो वो कंपनी किसान के साथ एग्रीमेंट करेगी कि आप आलू का खेती कीजिए, हम आपसे 2 रुपये में आलू खरीद लेंगे। और 4 महीने के बाद जब किसान का फसल तैयार होगा, मान लीजिए उस वक्त मार्केट में ओपन मार्केट में आलू का रेट 10 रुपया है, तो भी किसान को उस कंपनी को 2 रुपये में ही आलू बेचना होगा, और वो कहीं और नहीं बेच सकती है क्योंकि वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर चुकी है। इससे किसान अपने ही खेत में उस कंपनी का बंधुआ मजदूर बन जाएगा। और इसका दूसरा नुकसान किसानों को ये होगा कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए GM बीज यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज, खतरनाक केमिकल और कृषि के हानिकारक तरीकों को बढ़ावा देंगे, जिससे ज़मीन की बंजरता बढ़ेगी। और जब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और वो कंपनी अपना मुनाफा लेकर चली जाएगी, उसके बाद किसानों के पास सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन रह जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले कानून के बारे में, जिसका मोदी जी ने नाम दिया है फार्मर्स प्रोड्यूसेस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। कुल मिला के ये सरकारी मंडी को ख़त्म करने वाला कानून है। इस कानून में सरकार ने ये कहा है कि अब बड़े बड़े व्यापारी जो है वो प्राइवेट मंडी खड़ी कर सकेंगे, जिससे किसानों को ये होगा कि उनको आज़ादी मिलेगी, वो चाहे जहां अपना फसल बेच सकते हैं, चाहे सरकारी मंडी में बेचें चाहे प्राइवेट मंडी में बेचें। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट मंडी जो होगा वहां किसानों को टैक्स नहीं लगेगा। अब सरकारी मंडी में जब किसान अपना फसल बेचने जाते हैं तो 4 से 5% उनको टैक्स लगता है, और वो टैक्स सीधे सरकार के खजाने में जाता है। अब प्राइवेट मंडी में जब किसानों को टैक्स नहीं लगेगा तो वो अपना फसल प्राइवेट मंडी में बेचने जाएंगे, और इससे होगा ये कि 4-5 साल के बाद
या कुछ सालों के बाद सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, और जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी तो किसानों को जो एक MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी उससे कम में किसान अपना फसल नहीं बेचेगा। ये सरकार तय करती है कि ये MSP है आलू का, अगर 5 रुपये MSP है तो इससे कम में फसल नहीं बेचा जा सकता है, वरना किसानों का नुकसान होगा। तो ये सिर्फ सरकारी मंडी देती है। जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी तो किसानों को मिलने वाला MSP खत्म हो जाएगा, और प्राइवेट मंडी जितने में चाहेगी किसानों का फसल खरीदेगी, और इससे किसानों का शोषण होगा। किसान यही कह रहे हैं कि भैया आप प्राइवेट मंडी खोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अंबानी जी, अडानी जी, जिसको चाहे आप प्राइवेट मंडी खोलने की इजाज़त दे दीजिए, लेकिन आप एक कानून बना दीजिए कि जिस MSP पे सरकारी मंडी में खरीद होता है, आप उसको लीगल राइट बना दीजिए कि प्राइवेट मंडी भी MSP से कम दाम में मेरा फसल नहीं खरीदेगी। सारा विरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार MSP को लीगल राइट नहीं बना रही है। किसानों का ये कहना है कि भैया जो 4-5% टैक्स सरकारी मंडी में लगता है वो प्राइवेट मंडी में भी लगना चाहिए। सरकार वो नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार का असल मकसद किसानों को फ़ायदा नहीं पहुंचाना है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना है। लेकिन शायद मोदी जी को ये पता नहीं है कि देश का किसान अब मोदी जी की सारी चालबाजी को समझ चुका है, इसलिए अब वो अड़ चुके हैं कि चाहे तो अब आप MSP को लीगल राइट बनाइए, या फिर इस बिल को जिस बिल से लेके आए हैं उसी बिल में डाल दीजिए, वरना देश का किसान अब ये ठान चुका है। मोदी तेरी तानाशाही, ये बॉर्डर कब तक बना रहेगा, देश का किसान हिसाब लेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे दिन, अच्छे दिन। मार साले का खोपड़ी तोड़ दे।